चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल में लैंड हुए आज बहुत दिन हो चुके हैं। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर के अंदर से विक्रम लैंडर नाम का एक चार पहियों पर चलने वाला इंस्ट्रूमेंट भी निकला था, जिसने चांद की सतह पर सल्फर और ऐसी बहुत सी पदार्थों की खोज की थी। इतना सब लैंडर ने केवल 14 दिनों में ही खोज लिया था। इधर तक तो सब कुछ सही था, पर 14 दिनों के बाद चांद पर रात हो जाती है। साउथ पोल का टेम्परेचर गिरकर सीधे -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसरो रोवर और लैंडर को स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं। इसरो का मानना था कि जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी, वैसे ही ये दोनों वापस एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सूरज की रोशनी वापस आई और 14 दिनों के बाद वापस चली भी गई, पर रोवर और लैंडर अभी भी सो ही रहे हैं। और इसके पीछे का क्या कारण है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर रोवर और लैंडर एक्टिवेट नहीं हुए तो इसरो क्या करेगा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उद्देश्य पूरा करने के बाद इसरो ने चंद्रमा में सूर्य अस्त होने से पहले ही उपकरणों के सभी संचालन सफलतापूर्वक बंद कर दिए थे। साथ ही विक्रम लैंडर और रोवर को स्लीपिंग मोड में डाल दिया था। मिशन को एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों तक कार्य करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसरो का मानना था कि पर्याप्त धूप मिलने पर लैंडर और रोवर फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल के पास फिर से सूरज उग आया है। गाइस, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चांद में रात के समय की स्थिति को झेलने के लायक थे ही नहीं। चांद पर रात के समय अंधकार हो जाता है, जिसके कारण सोलर एनर्जी से चलने वाले मिशन को बिजली नहीं मिलती। इसके अलावा तापमान भी -200 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और इसका सीधा मतलब ये है कि इन चीजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जमे हुए हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो खराब हो गए हों। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों को भरोसा था कि चंद्रयान 3 -200 डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है और वो फिर से एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन इसरो मिशन से संपर्क नहीं कर पाई और उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। और सच बताएं तो केवल 50% उम्मीद ही है कि लैंडर और रोवर इस तापमान को सहन कर सकेंगे। गाइस, अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर फिर से एक्टिवेट नहीं होते हैं, फिर भी चंद्रयान 3 मिशन एक जबरदस्त सफलता बना हुआ है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत की क्षमता को साबित करना था। ऐसा करके भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने कभी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर ने लगभग 100 मीटर की ही दूरी तय की है और चंद्रमा की कई तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने सल्फर की मौजूदगी की खोज की है, जो पहले किसी अन्य मिशन द्वारा कभी नहीं किया गया था। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।